प्यारे साथियों नमस्कार। इंडियन पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग के अंदर आई हैं ड्राइवर की वैकेंसियां भोपाल के अंदर। आप हिंदुस्तान में कहीं के भी रहने वाले हो, इसके ऑफलाइन फार्म भर सकते हो, यानी कि आपको ये फार्म भर के डाक द्वारा रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट द्वारा इस एड्रेस पे आपका फार्म 24 नवंबर तक पहुंच जाना चाहिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10वीं पास और आपके पास लाइट या हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। एज लिमिट मांगा गया है 18 साल से लेके 27 साल तक आपका अगर एज है तो आप इसमें फार्म भर सकते हो। OBC SC ST को इसमें 3 साल और 5 साल का छूट दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से एक वैकेंसी है, अगर आप आर्मी से रिटायर हो तो इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए जो फार्म फीस है वो जनरल कैटेगरी OBC और EWS को 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर इस फार्म के साथ में भेजना पड़ेगा। SC ST का कोई भी फार्म फीस नहीं लगेगा। दोस्तों आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब ये फार्म देखिए कैसे भरते हैं, हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल समझा देते हैं। ये देखिए ये इसका नोटिफिकेशन है जो कि 9/10/2023 यानी कि 9 अक्टूबर को आउट किया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि ड्राइवर की वैकेंसियां हैं पोस्ट ऑफिस, जनरल पोस्ट ऑफिस है ये भोपाल के अंदर, इसके अंदर ये वैकेंसियां हैं। स्टाफ कार ड्राइवर की ऑर्डिनरी ग्रेड है 19,900 से लेकर 63,000 रुपये तक आपका सैलरी हो जाएगा। इसके अंदर अलाउंस वगैरह भी हैं। टोटल वैकेंसियाँ हैं 11, एक एस सर्विसमैन की अलग से है, 5 जनरल कैटेगरी, 1 SC की, 2 ST की, 2 1 OBC की, 1 EWS की, टोटल 11 एक्स सर्विसमैन की अलग से वैकेंसी है। इसके लिए आपका एज लिमिट है 18 साल से लेकर 27 साल तक। एज रिलैक्स दिया जाएगा OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हो तो 40 साल की एज तक आप इसमें फार्म अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए देखिए ये बताया है पूरा, इसके अंदर PDF के अंदर बता दिया गया है आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। इसमें बताया गया है कि आपको जो आपके पास होना चाहिए वो लाइट और हैवी मोटर व्हीकल होना चाहिए वैलिड, और आपको गाड़ी के जो छोटी मोटी नुक्स हैं उनकी भी जानकारी चाहिए। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइट और हैवी व्हीकल का, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 10वीं क्लास आप पास होने चाहिए इसके अंदर। और आपके पास देखिए इसमें बताया गया है 2 स्टेज पे आपका एग्ज़ाम होगा। पहले में आपका जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ये मोटर से संबंधित ट्रैफिक वगैरह के सवाल आएंगे। दूसरे में आपका प्रैक्टिकल लिया जाएगा, यानी कि आपके टेस्ट का कितना नॉलेज है, ये 20 नंबर का है और स्टेज एक का है 80 नंबर का। जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है ये देखिए ये इसके अंदर दिया है, फर्स्ट फेज के अंदर आपका आएगा पेपर में, देखिए किस टाइप के 80 क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, इंग्लिश हिंदी में आएंगे। SC ST को 33%, EWS OBC को 37%, अदर्स को यानी जनरल को 40% मार्क्स लेने ज़रूरी है। जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो होगा आपका 20 नंबर का, 10-10 नंबर के 2 होंगे। आपका जो स्किल टेस्ट है उसमें भी आपको SC ST को 33%, OBC को 37 और जनरल कैटेगरी को 40% मार्क्स लेने ज़रूरी हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन पेपर जो है जनरल नॉलेज के आएंगे 20 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस के आएंगे 15 क्वेश्चन, सिंपल अरिथमेटिक के आएंगे 15 क्वेश्चन और ये इसके अंदर आएंगे आपके पार्ट 4 में 30 क्वेश्चन बताए हैं इसके अंदर। तो ये आपका बता दिया। नंबर 2 स्टेज के अंदर आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट यानी कि डिफेक्ट के बारे में आपको कोई जानकारी है, क्लीनिंग, गाड़ी साफ सफाई, ये सब इसके बारे में पूछा जाएगा आपसे। अभी इसका फार्म कैसे भरना है, फार्म हम आपको बता देते हैं। ये था इसका नोटिफिकेशन। ये देखिए यहाँ ऊपर आपने अपना फ़ोटो लगाना है, नंबर और उसको अटेस्टेड कर देना, उसके ऊपर क्रॉस सिग्नेचर करना, आधा सिग्नेचर आपका बाहर जाना चाहिए। नंबर 1 में बड़े अक्षरों में ब्लू पेन से आपने अपना फुल नेम लिख देना, पूरा फार्म ब्लू पेन से इंग्लिश के बड़े अक्षरों में भरा जाएगा। नंबर 1 में आपका नाम, नंबर 2 में अपना आधार कार्ड, नंबर 3 में पिताजी का नाम, 4 में आप अपना फुल एड्रेस लिख देना, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब। 5 में अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना, मोबाइल नंबर। 6 में आप कौन सी कास्ट है, कास्ट लिख देना इसमें। 7 में आपके पास कोई अलग से अगर वो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट का सर्टिफिकेट है तो वो लिख देना इसमें। डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिक के अंदर आपका क्या मार्क्स शीट के अंदर क्या डेट ऑफ बर्थ है वो इसमें लिख देना है। 9 में
24/11/2023 को आपकी एज क्या है वो यहाँ पर लिख देना है। इसके अंदर लेंथ ऑफ सर्विस ये एक्स सर्विसमैन के लिए, नेशनलिटी में लिख देना है इंडियन, 12 में मेल लिख देना है, यहाँ 13 में अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है, 14 में क्वालिफिकेशन आपकी एजुकेशन क्या है देखिए, 10वीं में कौन से साल में आपने पास की, मार्क्स ऑब्टेंड कितने मार्क्स आपने लिए और कितने परसेंट लिए, यानी कि कितने नंबर में से आपने लिए, कितने टोटल मार्क्स, कितने परसेंटेज और कौन सी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने मैट्रिक पास किया है। 15 में ये अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिख देना, यहाँ पर आप लिखना है कौन सी अथॉरिटी से आपको ये लाइसेंस इशू हुआ है, लाइट व्हीकल का कब आपको इशू हुआ था और कब तक इसकी वैलिडिटी है, ऐसे ही हैवी लाइसेंस का हम एक साथ में फार्म और देंगे भरा हुआ, आप उसको देख के इसको भर लेना। ये पूरे डॉक्यूमेंट आप सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में भेजना है। 16 में ड्राइविंग एक्सपीरियंस लाइट मोटर व्हीकल का, कब से कब तक आपने यहाँ पर गाड़ी चलाया और कौन सी फर्म के अंदर, कौन से इंस्टीट्यूट में, वो यहाँ पर लिख देना, कौन से पीरियड से कौन से टाइम तक आपने वहाँ गाड़ी चलाया, ऐसे ही एवी का है, यहाँ फर्म का नाम लिख देना। 17 में एनी अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, यानी कि आपके पास कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो इसमें आप लिख देना। 18 में ये जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर पोस्ट ऑफिस से लेके इसके साथ भेजना है, वहाँ पोस्ट ऑफिस का नाम जहाँ से आपने लिया है, यहाँ सीरियल नंबर लिख देना, ये इशू ऑफ आईपीओ पेमेंट उसके ऊपर एक नंबर होता है वो लिख देना, और साथ में ओरिजिनल पोस्टल ऑर्डर साथ में भेज देना। ये आपने कौन से डॉक्यूमेंट लगाए, सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में भेजना है, मैट्रिक की सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, डोमिसाइल, ड्राइविंग लाइसेंस, कास्ट सर्टिफिकेट, जितने भी डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हो ये लिस्ट है, देखिए ये डॉक्यूमेंट आपने इसके साथ भेजने हैं। और अभी देखिए ये डिक्लेरेशन, यहाँ आप अपना नाम लिख देना, नीचे सिग्नेचर कर देना, यहाँ पैलेस कौन सी जगह से आप भर रहे हैं, अपने गांव का या तहसील का नाम लिख देना, ये डेट लिख देना, यहाँ आप अपना नाम लिख देना, ये है ईडब्ल्यूएस एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लिए, यहाँ अपना नाम लिख देना, नीचे सिग्नेचर डेट और पैलेस लिख देना, ये ईडब्ल्यूएस के लिए है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस का अगर फॉर्म लगा रहे हो तो वो इस तरह से भरना, इसके साथ में भेज देना, ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट हो, यहाँ फोटो लगा के उसको सेल्फ अटेस्टेड कर देना, तो ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट हो गए। पूरा फार्म हमने बता दिया कैसे भरना है, अब ये फार्म आपको कहाँ से मिलेगा, देखिए ये हमारा क्यूआर नंबर है, आप इस क्यूआर पे फोन पे गूगल पे इस नंबर पे इस व्हाट्सएप नंबर पे 20 रुपये का आप स्क्रीनशॉट भेज देना, हम आपको ये फार्म और इसके साथ एक वीडियो और एक भरा हुआ फार्म हम आपको दे देंगे, पूरी डिटेल आपको समझा दिया है, फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे करके आप हमारे से पूछ सकते हो।